गांव में महेश और राखी नाम के पति पत्नी रहते थे। इनके दो बेटे थे करण और ऋषभ। दोनों भाई अभी बहुत छोटे थे और बहुत मासूम। इनके पड़ोस में एक सरला नाम की औरत रहती थी जिसकी दो बेटियां प्रीता और सृष्टि थीं। राखी और सरला दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते थे, इसीलिए इनके बच्चे एक साथ खेला करते थे। 15 अगस्त आने वाला था। सबके घर खूब जोरों शोरों से 15 अगस्त की तैयारियां चल रही थी। सबको खुश देख प्रीता अपनी माँ सरला से कहती है, माँ आज इतनी तैयारियाँ क्यों हो रही हैं? सब लोग इतना खुश क्यों हुए? तब सरला उसे कहती है कि बेटी, कल 15 अगस्त है, इस दिन हमारा देश आजाद हुआ था, इसीलिए सब लोग खुश हैं। तब प्रीता अपनी माँ से कहती है कि माँ तो हम भी अपना घर सजाएं। प्रीता की माँ सरला ये बात सुनकर एकदम शांत हो जाती है और सोचने लगती है कि मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। एक काम करती हूँ कि मैं प्रीता और सृष्टि को पतंग दिला देती हूँ, फिर ये ज्यादा सवाल नहीं करेगी और अपनी पतंग के साथ खेलने लगेगी। और सरला उसे पतंग दिला देती है। प्रीता वह पतंग लेके खेल रही होती है कि तभी उसकी माँ सरला उसे आवाज देती है। प्रीता अपनी पतंग वहाँ छोड़कर अपनी माँ के पास जाती है। प्रीता वहाँ से वापस आकर देखती है तो वहाँ पर उसकी पतंग नहीं होती। तब प्रीता अपनी पतंग के बारे में सबसे पूछती है, पर कोई भी उसकी पतंग के बारे में नहीं बताता। तब प्रीता अपनी पतंग को ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद प्रीता को पता चल जाता है कि उसकी पतंग किसने चुराई है। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्रीता की पतंग किसने चुराई? अगर हाँ तो आपके पास इस मजेदार पहेली का जवाब देने के लिए 10 सेकंड का समय है और आपका समय शुरू होता है अब। तो वेल दोस्तों, प्रीता ने पता लगा लिया कि उसकी पतंग करण ने चुराई है, क्योंकि अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको जो पतंग प्रीता के हाथ में थी वही पतंग अब करण उड़ा रहा है। पर करण तो पहले पतंग लाया ही नहीं था। यही देखकर प्रीता जान जाती है कि जरूर करण ने ही उसकी पतंग चुराई है। तो दोस्तों, आपने इस मजेदार पहेली का जवाब देने में कितने सेकंड का समय लिया, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही ऐसी मजेदार पहेलियों के जवाब देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।